यह दोस्तों 10 मिनट पहले मुझे आपका जो है 11वीं कक्षा का त्रैमासिक परीक्षा का भौतिक शास्त्र का पेपर मिल गया, तो मैंने तुरंत वीडियो बनाकर इसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। ठीक है, अपलोड कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये आपका भौतिक शास्त्र का बिल्कुल 100% रियल पेपर है जो कि मुझे 15 मिनट पहले ही मिला है। ठीक है, तो मैंने इसकी जो है तुरंत वीडियो बना ली। अब मैं जो है इसको यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूँ और आप सभी को बिल्कुल 100% भौतिकी का रियल पेपर मिलने वाला है। ठीक है, तो आपका भौतिकी का पेपर क्या हो चुका है? वायरल। ठीक है, कक्षा 11वीं भौतिकी का पेपर हो गया क्या? वायरल। ठीक है, वायरल पेपर हो चुका है। ठीक है, लीक हो चुका है पेपर और हम आपको पूरा पेपर बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको दिखाना चाहते हैं हम, ये देखिए आपका जो है पेपर का प्रश्न क्रमांक 6। ठीक है, और इससे पहले जो है पूरे पेपर की जो मैंने फोटो खींच कर जो है फोटो खींच ली और आप सभी को जो है पूरा पेपर बताने वाले हैं। ठीक है, और सभी प्रश्नों के उत्तर भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, ये देखिए आप लोगों का प्रश्न क्रमांक 1 है और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर सभी प्रश्नों के जो है हम फोटो खींच कर ले आए हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों की जो है फोटो खींच कर हम ले आए हैं, पेपर हमें जो है मिल गया है। ठीक है, हम आपको पूरा पेपर बताएंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और कक्षा 11वीं के सभी विषयों के पेपर अगर आपको चाहिए है तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, कक्षा 11वीं के सभी विषयों के पेपर हम आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इसी चैनल पर सभी पेपर आपको मिल जाएंगे बिल्कुल क्या 100% रियल। ठीक है, तो चैनल को क्या कर लें आप लोग, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जैसे हम और भी विषयों के पेपर की वीडियो बनाए तो आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। इस बार भौतिक के पेपर में जो है अभी पेपर की लगभग 2 घंटे पहले क्या हो चुका है, लीक हो चुका है। तो पूरे प्रश्न हम आपको बताएंगे, पूरा पेपर आपको बताएंगे, लास्ट तक वीडियो को देखना, बिना स्किप करे देखना और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, शेयर करना। ठीक है, ताकि आपके दोस्तों की भी मदद हो जाए और वो पेपर में अच्छे नंबर लेकर आए। सभी प्रश्नों का कि हम जो है आपको उत्तर भी बताएंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताएंगे और जो है सभी प्रश्नों को भी बताएंगे, तो अच्छे से आपको वीडियो को बिना स्किप करे देखना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला है प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आप इसमें कंफ्यूज मत होना, प्रकाश वर्ष है मतलब कि आप लोग बहुत से लोग क्या करेंगे, समयकाल लगा कराएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10^15। ठीक है, 10^15। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद है गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है, तो कोई भी जैसे गतिशील पिंड होता है तो उसके लिए शून्य होता है विस्थापन। ठीक है, उसके लिए शून्य क्या होता है? विस्थापन। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए कोई वस्तु यहाँ से लेकर जो है वृत्ताकार पथ पर जो है गति करती है तो उसका विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि उसकी जो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति है वो क्या रहेगी? एक ही बिंदु रहेगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं हम, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेपीय कोण होना चाहिए, तो ये कोण कौन सा होगा? 45 डिग्री का होगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण होगा, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको 7 नंबर का लगा देना है, वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 2 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें त्वरण नहीं है। ठीक है, उसमें त्वरण नहीं है, 2 नंबर का उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक वस्तु समान वेग से गति कर रही है, मतलब उसका वेग क्या है? समान है। और त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, लेकिन वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, वेग समान है, तो इसमें जो है त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है छठवा देख लेते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 6वें नंबर का, तो देखिए छठवा क्वेश्चन है, अप्रत्यास्थ संगठन में संरक्षित रहता है, तो आपको उत्तर लगा देना है क्या? संवेग। सही उत्तर क्या हो जाएगा? संवेग। ठीक है, इसके बाद 7वां है, 7वें नंबर का प्रश्न है, किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है, तो कोई भी गतिशील पिंड है उसके लिए शून्य क्या हो सकता है? विस्थापन। ठीक है, विस्थापन शून्य हो सकता है। ठीक है, बाकी इसके बाद प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ग्रह तारों आदि की दूरियों को खाली स्थान विधि द्वारा मापा जाता है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? लंबन विधि। ठीक है, लंबन विधि द्वारा जो है ग्रह तारों आदि के बीच की जो है दूरियों को मापा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है बल का विमीय सूत्र, तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है? MLT के ऊपर -2 की पावर। ठीक है, इसके बाद है ताक्षणिक चाल व ताक्षणिक वेग का अनुपात सदैव खाली स्थान होता है, तो आपको क्या लगा देना है? आप 1 भी लिख सकते हैं या समान भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक लिख सकते हैं या समान भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को खालिस्थान दिशा में फेंकना चाहिए, तो अगर आपको अधिकतर ऊंचाई चाहिए तो फिर आपको ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की ओर फेंकना चाहिए। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर फेंकना चाहिए। ठीक है, फिर 5वां है, यदि किसी निकाय पर कोई बाह बल ना लगाया जाए तो उसका खालिस्थान नियत रहता है,
तो खाली स्थान में आपको लिख देना है वेग, ठीक है। फिर इसके बाद है किसी बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होता है, तो आपको शून्य लगा देना है। और बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ठीक है। जल्दी जल्दी हम आपको जो है सभी प्रश्न दिखा देते हैं, आप जो है वीडियो को पॉज करके इन सभी के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक तीसरा है, ये प्रश्न क्रमांक चौथा है, ठीक है। अब बाकी के जो है प्रश्न हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे, ठीक है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करके रखें, ठीक है। आगे के प्रश्न हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।